समंदर जमीन के 70% हिस्से पर फैला हुआ है। इसको आज तक मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। ये अपने अंदर कई तरह के राज छुपाए हुए है। खुदाई के दावे करने वाले इंसानों के लिए भी ये मुमकिन नहीं कि इसको मुकम्मल तौर पर जान सकें। खैर, अभी तक समंदर के 70% हिस्से में से 5% भी मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। खतरनाक समंदर की गहराई में जब डीप सी डाइवर्स जाते हैं तो कई हैरत अंगेज चीजें डिस्कवर करके इसको दुनिया के आगे पेश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समंदर में की जाने वाली कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में आपने यकीनन पहले नहीं सुना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त फ्री टाइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। अंडर वाटर रिवर। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां समंदर की गहराई के अंदर एक अलग से दरिया बहता है तो क्या यकीन करेंगे? वैसे यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये बिल्कुल सच है। मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में डीप सी डाइवर्स को एक ऐसी सीक्रेट जगह मिली जहां समंदर के अंदर एक अलग से दरिया बहता है। इस दरिया का पानी नमकीन और गाढ़ा है। असल में ये रिवर हाइड्रोजन सल्फेट की एक मोटी तह की वजह से बनी है। इस जगह के नीचे एक गार मौजूद है जहाँ से सॉल्ट वाटर आता है। कहा जाता है कि ये जगह समंदर से तकरीबन 30 मीटर नीचे है। इस पुरसरार जगह को स्नोटे एंजेलिटा भी कहा जाता है। अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क। वेस्ट इंडीज के साहिल से कई किलोमीटर दूर समंदर के बॉटम में मौजूद ये अनोखा पार्क एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने डिजाइन किया। इसको 2006 में लॉन्च किया गया। पहली नजर में देखते ही ये इंतहाई खौफनाक लगता है। ये पार्क समंदर के 800 स्क्वायर मीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज मौजूद है। कहा जाता है की इस पार्क को बनाने का मकसद दरअसल छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना है। ब्रिटिश आर्टिस्ट के मुताबिक इस पार्क को बनाने के बाद यहाँ पर लाखों मछलियों ने किया। खैर, वजह जो भी हो, ये पार्क बहुत ही अजीब है। अंडर वाटर प्लेन्स। रिसर्चर की एक टीम को माइक्रोनेशिया के समंदर के बीचों बीच कई तबाहशुदा फाइटर प्लेन्स, टैंक्स, बॉम्ब्स और गाड़ियां मिली। रिसर्च के मुताबिक आज से 80 साल पहले यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहां पर 50 से ज्यादा जापानी शिप्स और 230 एयरक्राफ्ट समंदर में क्रैश हुए थे। समंदर का ये हिस्सा बहुत ज्यादा गहरा है जिस वजह से अभी तक कई प्लेन्स और शिप्स का मलबा तलाश नहीं किया जा सका। कहा जाता है की जब प्लेन समंदर के अंदर क्रैश होते हैं तो वो प्लेन जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। इनको देख अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये प्लेन है या कुछ और। द लॉस्ट सिटी। इजिप्ट के साहिल से 6.5 किलोमीटर दूर समंदर की गहराई में डीप सी डाइवर्स को कई मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज मिले। इस जगह की मजीद रिसर्च करने के बाद यहाँ से 64 शिप्स, 700 से ज्यादा एंकर्स, बहुत बड़ी तादाद में सोने से भरे हुए खजाने, कई तरह के स्टैचूज जिनमें से अक्सर की लंबाई 16 फुट से भी ज्यादा थी, इसके अलावा कई तरह की टूटी फूटी इमारतें और खंडरात यहाँ पर पाए गए। ये समंदर में कई किलोमीटर के एरिए तक फैला हुआ था। रिसर्च के बाद मालूम हुआ की यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था और शायद ये इजिप्ट की मेन पोर्ट सिटी थी। खैर, इस सिटी के बारे में कोई नहीं जानता कि इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज ये इस हालत में मौजूद है। जायंट नाइफ। दोस्तों, वैसे तो हर बार समंदर की गहराई से कुछ ऐसा पुरसरार मिलता है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन 2014 में स्कूबा डाइवर्स के एक ग्रुप को समंदर की तह से एक बहुत बड़े साइज का चाकू मिला। दिखने में ये चाकू तकरीबन 7 से 8 फुट लंबा लगता है। ज्यादातर स्कूबा डाइवर्स खुद को पब्लिक में शो नहीं करवाते, इसी वजह से ये मालूम नहीं किया जा सका कि ये चाकू दुनिया में किस जगह पर मौजूद है। वैसे इतने बड़े साइज का चाकू क्या वाकई कभी किसी के इस्तेमाल में होगा? क्या वाकई आज से हजारों साल पहले दुनिया इतने बड़े साइज के इंसान मौजूद थे? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।